नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री और अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में सिविल एनक्लेव डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण कार्य तेजी से किया जाए ताकि नागरिकों को अंबाला छावनी से जल्द उड़ान सेवा का लाभ मिल सके। अनिल विज ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के निकट सिविल एनक्लेव डोमेस्टिक एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य को लेकर जानकारी हासिल की और क्या क्या कार्य अब तक पूरे हो चुके हैं और क्या शेष रह गए हैं उन पर चर्चा की। उन्होंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट में एंट्रेंस एरिया, पार्किंग, कैंटीन, मुख्य टर्मिनल समेत अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों को चेक इन करने के उपरांत बस में बैठाने एवं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तक जाने वाले रास्ते के निर्माण के कार्य संबंधी जानकारी भी ली। पीडब्ल्यूडी के एफसीएम रितेश अग्रवाल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि टर्मिनल में 50% कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य को भी आगामी कुछ माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बाउंड्री वॉल, पार्किंग एरिया, मुख्य बिल्डिंग, एंट्रेंस रोड, वाटर टैंक समेत यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।